हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज फिर हम लोग इंडक्शन इफेक्ट का एप्लीकेशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन किसके टर्म में पढ़ने वाले हैं? टर्म ऑफ के ए के बी पी के ए एंड पी के बी। ठीक है, तो बच्चों क्या करने वाले हैं हम लोग आज? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन टर्म ऑफ के ए के बी पी के ए एंड पी के बी। ठीक है, तो क्या होता है? स्टेबिलिटी देखेंगे ना, मेन तो स्टेबिलिटी होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी एसिड के कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा तो उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो उतनी आसानी से H प्लस आयन देगा। तो अभी हम टर्म देख रहे हैं कौन सा, के ए के बी पी के एन पी के। तो क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है किसका? एंटी प्रोपोर्शनेट होता है। स्टेबिलिटी एंटी प्रोपोर्शनेट होगा इनर्जी कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एनर्जी को कंटेंट कर रहा है उसका क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, एंटी प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड इट्स के एन पी के वैल्यू। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड प्रोपोर्शनेट होता है के ए का और एंटी प्रोपोर्शनेट होता है किसका, पी के ए का। ठीक, ये तो एसिड के केस में हुआ। और अगर क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ, जब पी आता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंटी प्रोपोर्शनल पी के ए सॉरी के बी एंड के बी ऑफ कंजुगेट बेस। क्या है, कंजुगेट बेस एंड प्रोपोर्शनल होता है किसका, पी के ए पी के बी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। आगे बात समझ में, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होगा के ए का और एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के ए का, और एंटी प्रोपोर्शनेट होगा किसका, के बी का, और प्रोपोर्शनेट किसका होगा, के बी कहते हैं कि कंजुगेट बेस, ए फॉर एसिड बी फॉर बेस, तो कंजुगेट बेस का जस्ट रिवर्स होगा, और जो कंजुगेट बेस का रिवर्स है वो कंजुगेट बेस का इक्वल होगा। होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही हो गया यहाँ पे, जो के एक प्रोपोर्शनेट होगा किसका, स्ट्रेंथ है एसिड का प्रोपोर्शनेट होगा के, इक्विलिब्रियम वैल्यू है ये। ठीक है, और पी के का एंटी प्रोपोर्शनेट होगा, वही सेम जस्ट उल्टा हो जाएगा, के बी का एंटी प्रोपोर्शनेट एंड पी के बी का प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। जहां के ए के बी एंड पी के ए पी के बी क्या है, चलिए मैं ये भी बता देती हूँ आप लोग को, जहां जहां के ए क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड के बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ वीक बेस, और पी के इक्वल टू माइनस लॉग के एंड पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के। तो क्या होता है, एसिडिक नेचर प्रोपोर्शनल होता है किसके, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक नेचर प्रोपोर्शनल होता है के ए का। आगे बात समझ में, यानी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड का होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, आप देखते हैं इस पे कैसे निकलेगा, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए लिखेंगे हम ये डबल ओ है, इक्विलिब्रियम होगा इसके, ऐसे लिख सकते हैं H प्लस प्लस सी डबल ओ पे माइनस बचा, तो इसका के ए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, H प्लस प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ। तो इसका मॉरल ऑफ स्टोरी ऐसे करके लिखेंगे, एसिडिक नेचर नेचर लिखेंगे, एसिडिक नेचर क्या होता है, प्रोपोर्शनेट के ए का और एसिडिक नेचर एंटी प्रोपोर्शनेट होता है इसका के बी का। ठीक, एसिडिक नेचर
प्रोपोर्शनेट किसका होगा? पी के बी का। किसका? पी के बी और एसिडिक नेचर नेचर एंटी प्रोपोर्शनेट का होगा। किसका? पी के ई का। हो गया, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। ठीक, अब मैं अब हर एक का अलग अलग टर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता रही हूँ। रुकिए, बार बार चलिए, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलिए। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन में देखते हैं, पहले 1 डिग्री, दूसरा क्या है, दूसरा बनाते हैं 2 डिग्री, ये तो 0 डिग्री है। अब बनाते हैं CH3 CH2। अब तीसरा 1 डिग्री 2 डिग्री CH3 CH3। इसको H इधर कर देती हूँ, ये प्लस चार्ज है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन। तो क्या होगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी और स्टेबिलिटी कम होता जाएगा। क्या होगा, चार्ज बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी हाई होने, ड्यू टू हाई चार्ज रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी ये ग्रेटर देन स्टेबिलिटी। अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, ये सुपर डिग्री कहलाती है। तो ड्यू टू हाई चार्ज, ड्यू टू हाई चार्ज आवेश बढ़ेगा, तो हाई चार्ज रिएक्टिविटी विटी इज इंक्रीज है। जैसे ही रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी कम होगा एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज, यानी क्या है, स्टेबिलिटी एंटी प्रोपोर्शनल टू एंटी प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी एंड स्टेबिलिटी कम होगी। अब सेकेंड केस में देखते हैं, चलिए फर्स्ट केस हो गया, अब सेकेंड केस में देखते हैं। वो तो कैटायन के केस में हो गया, अब एनायन के केस में लगते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये हो गया 0 डिग्री 1 डिग्री 3 CH2 CH3 CH3 MC CH3 CH3 CH3। सब पे माइनस चार्ज, ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका क्या होगा, कैटायन का जस्ट रिवर्स होगा। क्या होगा, 0 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आगे बात समझ में, इसमें जस्ट क्या होगा, कैटायन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब प्लस आई और माइनस आई के केस में देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चलिए, फ्री रेडिकल के केस में भी कैसा होता है, जैसे कैटायन के केस में होता है, सेम टू सेम फ्री रेडिकल के केस में होता है।
क्या होता है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसका जस्ट रिवर्स। ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के केस में होता है। इसको कैसे लेंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड इसमें हो गया हम लोग देख लिए कैटायन, एनायन एंड फ्री रेडिकल केस में। अब देखते हैं जैसे जैसे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा प्लस आई का, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, ठीक। एंड चार्ज एंटी प्रोपोर्शनेट होगा किसका, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का। यानी चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी एंड चार्ज जो होता है स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स होता है। जिस अगर रिएक्टिविटी, चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिव स्टेबिलिटी कम होगी और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होगा माइनस भी एंटी प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस आई का एंड माइनस भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल माइनस आई, एंटी प्रोपोर्शनल 1/i का। आगे बात समझ में। अब ये है, जितना ज्यादा ऑक्टेट पूरा होगा वो उतना कम स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा यानी उतना एक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा नहीं होगी। तो जितना ज्यादा ऑक्टेट पूरा होगा उतना ज्यादा स्टेबल, और जिसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी मैं एप्लीकेशन हो प्लस आई ही इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ाऊंगी। इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।